नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि कर्नाटक में एक विवाद चल रहा है हिजाब का और इस्लाम वर्सेस हिंदू का। यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुछ मुस्लिम छात्राएं हैं जो हिजाब पहनकर स्कूल आने में अमादी हुई हैं। उनका कहना यह है कि हिजाब जो उनका है वो उनका अधिकार है और वो हिजाब पहन करके आएंगे। इसके विरोध में कुछ हिंदू छात्रों ने क्या किया कि उन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए वो स्कूल आ गए। बात यह नहीं है कि उन्होंने भगवा पहन लिया और उन्होंने हिजाब पहन लिया, बात यह है कि जो हिंदुस्तान है, जो भारत का स्कूल है, जहां पर यह सिखाया जाता है कि शिक्षा सभी लोगों के लिए बराबर है, शिक्षा किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करती है और हमारे देश का जो संविधान है वो हर किसी को इक्वल राइट्स देता है, तो संविधान कहां चला जाता है जब शुक्रवार का दिन आता है। शुक्रवार के दिन बच्चे नमाज पढ़ जाते हैं और लड़कियां हिजाब के लिए तुली पड़ी हैं कि हम तो हिजाब में ही आएंगे। और इस देश का हिंदू जैसे ही वो सिर्फ मुंह से जय श्री राम बोल देता है तो इस देश में इनटॉलरेंस यानी कि असहिष्णुता का माहौल बन जाता है। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि अब इस देश में रहने लायक नहीं है, ये जो देश है ये हिंदू आतंकवाद बन चुका है। तो दोस्तों, ये मुद्दा जो है ये वाकई काफी संगीन है, क्योंकि जैसे ही शुक्रवार का दिन आता है उस दिन ना तो स्कूल के नियम और रेगुलेशन काम आते हैं और ना ही उस दिन स्कूल का बनाया हुआ कोई कानून काम आता है। कोई भी बच्चा हो जो अगर इस्लाम से आता है, चाहे वो थर्ड क्लास का हो, सेकेंड क्लास का हो, या फिर टेंथ या ट्वेल्थ का हो, या फिर वो किसी कॉलेज में हो, वो सीधे बैग उठाता है और नमाज के लिए चला जाता है। उस दिन ना तो वो प्रिंसिपल से उसको परमिशन की जरूरत है और ना ही किसी टीचर से पूछने की जरूरत है, क्योंकि उसको लगता है कि आज शुक्रवार है और आज नमाज का दिन है। और इस देश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इस देश में जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, वो सारे इनके अधीन होते जा रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, यानी कि जो स्टाफ है उनकी इतनी औकात नहीं है कि उन बच्चों को रोक सके, उनसे ये बोल सके कि स्कूल में सभी बराबर होते हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस सरकार भी, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है, वो भी उन छात्राओं के समर्थन में आ गई है जो हिजाब की मांग कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर हिजाब पहन कर आना उनका अधिकार है, शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाना उनका अधिकार है, तो फिर हिंदुओं का अधिकार कहाँ गया है? ये वही कांग्रेसी है जो बार बार पर जय श्री राम के नारे को इंटॉलरेंस बताती हैं, असहिष्णुता बताती हैं, आतंकवाद बताती हैं, लेकिन इस्लाम के नाम पर ये धर्म की व्याख्या करने लगते हैं। तो इस देश का मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो बंटवारा हुआ था, भारत का बंटवारा ही धर्म के नाम पर हुआ था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। और इस बंटवारे का कोई अगर मेन गुनहगार है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी के चाहने पर ही देश का बंटवारा हुआ था और जो जिन्ना अलग पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग में गया हुआ था वो भी पहले कांग्रेस का ही सदस्य था। भारत का बंटवारा हुआ हिंदू और मुसलमान के नाम पर। यहाँ पर सिर्फ 11% मुस्लिम थे और उनको भारत की जो जमीन है वो 25% दी गई थी। तो बात ये है कि अगर उन्होंने 11% जनसंख्या होते हुए 25% जमीन दे दी गई, इसके बावजूद भी इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया और संविधान के दायरे में रख करके ये कहा गया कि भारत में सभी लोग बराबर रहेंगे, लेकिन संविधान के नाम पर भी यहाँ पर धोखा किया गया और संविधान में हिंदुओं को कम अधिकार दिए गए और मुसलमानों को ज्यादा अधिकार दिए गए। तो फिर जो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस देश को इस्लाम के नाम पर सारे हक उनको देती आ रही है और हिंदुओं को दबाती और कुचलती आ रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो देश का इतिहास पता है ना भूगोल पता है, फिर भी वो कांग्रेस पार्टी की चरण वंदना और तलवे चाटने का काम करते हैं और इसीलिए उनको लगता है कि सब कुछ कांग्रेस ने किया। हाँ, देश का बंटवारा भी किया है, हिंदुओं का अधिकार छीना है, संविधान के नाम पर हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है, ये सब काम भी तो कांग्रेस ने ही किया है, ये काम आप कब बताओगे? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो बात की बात है, उसके चक्कर में हम बाद में बात करेंगे। और ये जरूरत है कि सरकार एक ऐसे कड़े और बड़े कानून बनाए जिसके तहत जो भी स्कूल है हिजाब और नमाज के लिए छूट देते हैं तो फिर उनको भी हिंदुओं के त्योहारों को या फिर हिंदुओं के जो विशेष दिन है उस पर भी प्रावधान किए जाए, यानी कि मंगलवार को भी हिंदुओं को भी छुट्टी का अवसर मिले। यदि स्कूल ऐसा नहीं करते हैं, वो धर्म के नाम पर सिर्फ हिजाब और नमाज की छूट तो देते हैं लेकिन अगर हिंदुओं को छूट नहीं देते हैं तो फिर ऐसे स्कूलों पर सख्त एक्शन की आवश्यकता है और उन पर ताला लटकाने की भी जरूरत है, क्योंकि जो स्कूल है, जो कि बुनियाद है,
जो किसी देश का भविष्य है यदि वही जिहाद को आगे बढ़ाएगा, यदि वही एक धर्म को सर्वोच्च दिखाएगा बाकी धर्मों को नीचा दिखाएगा, तो फिर देश की बुनियाद अपने आप कमजोर हो जाएगी। और देश के लाखों स्कूलों में यही चल रहा है, शुक्रवार आते ही हर स्कूल में घंटी बज जाती है, बेल बज जाता है कि आप जाइए नमाज पढ़िए। लेकिन मंगलवार के दिन यदि आप पूजा पाठ करके चले आते हो तो आपको स्कूल में एंट्री तक नहीं मिलती है। ये कैसा भारत है, ये समझ में नहीं आ रहा कि आप हिंदुस्तान में जी रहे हो या फिर पाकिस्तान में जी रहे हो। शुरुआत बेशक कर्नाटक के मुस्लिम छात्राओं ने किया है हिजाब की मांग के लिए, लेकिन ये आंदोलन जन आंदोलन बनना चाहिए और हिंदुओं को भी अपने जो अधिकार है उसकी मांग करना चाहिए। जिस स्कूल में भी ऐसा होता है हिजाब और नमाज चल रहा हो वहां पर भगवा वस्त्र या फिर जय श्री राम या फिर हनुमान चालीसा का भी अध्ययन होना चाहिए। आप अगर एक धर्म को इतनी छूट दोगे तो बाकी धर्म कहाँ गए। यदि शिक्षा में सब कोई समान है तो फिर शुक्रवार के दिन हिंदू मुसलमान का एजेंडा कहाँ से स्कूल वाले लाते हैं। इसके लिए जो मुख्य आरोपी हैं वो स्कूल वाले ही हैं और कोई नहीं है। और अब ये सही वक्त है कि एक बहस का मुद्दा बना है और इसकी लंबे समय से जरूरत थी कि स्कूलों में जो जिहाद चल रहा है, जो स्कूल मालिक या मैनेजमेंट करवा रहे हैं, इस पर अब बहस हो और इस पर कड़े कानून बने। जो मुद्दा इतने दिनों से दबा हुआ है, सालों से दबा हुआ है, आप ये कह लीजिए आजादी के बाद से लेकर के अब तक ये खेला हो रहा है। देश के हर स्कूल में यही गतिविधि चल रही है। आप शुक्रवार को देखिए बच्चों को तुरंत छुट्टी मिल जाती है। कहाँ जाता उस दिन संविधान, कहाँ जाता उस दिन कानून, कहाँ जाता उस दिन इक्वालिटी की बात करने वाले बड़ी बड़ी किताबों में जो लिखा हुआ ज्ञान है। ये अक्सर संविधान इस देश में चल ही नहीं रहा है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, शरिया के नाम पर बच्चों के अंदर जहर भर दिया गया है और उस जहर को पनपाने वाले, खाद पानी डालने वाले स्कूल हो चुके हैं, जो प्राइवेट स्कूल हो गए हैं। आप कह लीजिए ज्यादातर मनमानी इन्हीं स्कूलों में देखने को मिल रही है कि आप हिजाब और नमाज कीजिए, लेकिन जैसे ही आप मंगलवार की बात करोगे, जैसे ही आप हिंदू धर्म की बात करोगे, उस पर अट्टहास, हंसी मजाक और उनका उपहास, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जाएगा और साइंस की बातें गिरानी शुरू कर दी जाएंगी। और ये आंदोलन जो है पूरे देश में फैलना चाहिए और पूरे देश के लोगों को अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम भारत में जी रहे हैं, हम हिंदुस्तान में जी रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं। अरे ऐसा कानून अगर पाकिस्तान में होता तो बात समझ में आती कि चलो ठीक हो पाकिस्तान है, लेकिन भारत में रह करके जो कहते हैं लोग कि ये संविधानिक देश है जहां पर संविधान हर किसी के लिए बराबर है, तो कैसा संविधान है जो शुक्रवार के दिन लाचार हो जाता है और मंगलवार के दिन ताकतवर बाहुबली बन जाता है, हिंदुओं के ऊपर अपना शक्ति दिखाना शुरू कर देता है। और मैं तो संविधान को कम दोषी दूंगा और उन स्कूल के मैनेजमेंट को दोषी दूंगा जो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, जो शुक्रवार के दिन इस तरीके की व्यवस्था ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ये काम सरकारें तब करेंगी जब आप खुद अपने हक की मांग करोगे। और ये आंदोलन देश के कोने कोने में होना चाहिए, हर उस स्कूल में होना चाहिए जहां पर जिहाद चल रहा है, जहां पर हिजाब चल रहा है, जहां पर नमाज चल रही है, लेकिन हिंदुओं के त्योहार पर एक छुट्टी देने में भी इनके आंख से आंसू निकल जाते हैं। बात छुट्टी की नहीं है, बात इस देश में जो इस्लाम का केंद्र बनाया जा रहा है, जो स्कूलों को हिजाब, नमाज और मस्जिद का केंद्र बनाया जा रहा है, बात इसकी आ गई है। और जब कोई देश संविधानिक हो तो उस देश में ये सारी व्यवस्थाएं कोई स्कूल कैसे कर सकता है। यदि कोई स्कूल इस तरीके की गतिविधि करता है तो सरकार कानूनन ऐसे स्कूलों पर हंटर चलाए और उनको सख्त संदेश दे, यदि आप शुक्रवार को छुट्टी करोगे तो मंगलवार के दिन भी आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो स्कूल है इस पर ताला लटकेगा। और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा भारत एक अच्छा देश नहीं बन पाएगा। यहाँ पर सिर्फ इस्लाम का महिमा मंडन किया जाएगा और इस्लाम का जो एक कट्टरता है वो इतनी हावी हो जाएगी एक दिन कि भारत भी तालिबान बनने से दूर नहीं रह पाएगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो कीजिए शेयर और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।